हम लोग आ पहुंचे हैं चेन्नई के अंदर। ये रूम है, आपको पता है हमने लिया था। ये है बिरला प्लानिटोरियम, साइंस से जुड़ी हुई खूब सारी चीजें हैं। यहाँ पर खूब सारे बच्चे भी आते हैं समझने के लिए, और हम खास तौर से सिया के लिए आए हैं। चलो आज साइंस पढ़ाते हैं सिया को। अभी मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ, कल जो मार्केट गए थे तो शारदा ये गजरा लेके आई। ये अब कभी खराब नहीं होगा, नौ रोज रोज दोबारा लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है कि हर जगह इतने ज्यादा मतलब जगह जगह मिल नहीं रहे थे, तो मैं ये लेके आ गई। 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ये फाइटर जेट काम में लिए गए थे, HF-24। और हम लोग खुद गए भी हैं लोंगे वाला पोस्ट, जहाँ पर ये रियल में युद्ध हुआ था। कुलदीप सिंह चांदपुरी बॉर्डर फिल्म के अंदर सनी देओल ने इनका जो रोल किया है, वो बंकर वंकर सब हमने देखे थे। तो ये वही फाइटर जेट है, उनमें से एक है। जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 147 जो टोटल इस तरह के विमान थे HF-24 इस कैटेगरी के, जो उस युद्ध के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर इस तरह की कई सारी साइंटिफिक चीजें हैं जिनको ऐसे लगता है ऐसे ही खेलने के लिए बनाई है, लेकिन खेलने के लिए नहीं है। मानती है लगी। अभी ये तो लम्बू टैग नहीं, तेरे वेट पता चल जाएगा। तो साहस की कोई 70 वाला मेरा, जिसके ऊपर ये पूरा पूरा बराबर बराबर होगा उतना ही वेट है। सिया परने हाँ पूरी लमोटी ये लगे हाथ टूट गया। लेवल बराबर इक्वल आ गया, तराजू की तरह दोनों पक्ष, तो उतना ही वेट है। जहाँ पर सर टकराएगा वहाँ पर उतनी हाइट है बस। ये कितने 48 इंच है अराउंड, मेरी 68 इंच के। हाँ ये मशीन इसीलिए लगाई हुई है समझने के लिए कि भाई मैथ साइंस से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये सेल्फ लिफ्ट है बच्चों को सीखने के लिए कि भाई जैसे जैसे खींच बेटा रस्सी को खींचा शाबाश, और जैसे जैसे खींचेगी लिफ्ट ऊपर जाएगी। खींच शाबाश, हाँ शाबाश, अपने आप का वजन खींचना है। इतने ऊपर की ऊपर से जो भी तस्वीर ये ले रहा है, फोटो आ रही है, वो कांच को मिरर को इस तरह से सेट किया गया है कि यहाँ बैठे बैठे इतनी ऊंचाई वाली तस्वीर देख सकते हैं। ट्रांसमीटर जब चेंज करते हैं ना हमारे गांव में खेतों में, जब पुली लेके आते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए है कि भी पुली सिस्टम कैसे काम करता है। नीचे वजनदार वाट रख दिए, ये पुली है, थोड़ा सा खींचोगे तो पूरा वाट आ रहा है 10 किलो। अब सिया 10 किलो उठा नहीं सकती, लेकिन पुली सिस्टम से ये 10 किलो उठा रही है। नहीं उठा पाएगी, वो भी 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, तीनों में 10-10 किलो है, लेकिन पुली सिस्टम होने की वजह से 20 किलो 10 किलो वाट भी सिया आसानी से उठा रही है। ये एक तरह से इस तरह की छतरी है रिफ्लेक्टर के रूप में सामने लगी हुई है, तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर से बोल रहे हैं आवाज तेज सुनाई दे रही है। बोल सिया। मन और सीखना है। तीनों घुमा नहीं ज्यादा देर, किसी को ये ज्यादा देर घूमती है लकड़ी जो है, ऐसे तीनों को बराबर घुमाते हैं, कांच नॉर्मल, लोहा जल्दी रुक जाता है। पेरियार साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। योर हाइट इन, मेरी हाइट बताया कितनी है देख के बताऊं? इकाई 22 सैकड़ा, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 70 करोड़। तेरी नैनोमीटर हाइट है, ये हाइट नैनोमीटर, ये बॉडी मास इंडेक्स है। आज एक्स्ट्रा फैट की तो अभी पता चल जाएगा। कह रहा है कि अगर BMI आपका बिलो 18.5 है, इसका 26.5 BMI है। मेरा BMI 30 है, क्लास 1। सिया कहाँ गई, गायब हो गई? मैं गायब हो गई। हाँ तो फिर काट। सच्ची में गायब नहीं है, और गायब कोई खतरे जो गायब हो गई एक तरह से। यहाँ पर मिरर इसी तरह का लगा हुआ है, कांच है दोनों साइड में, और इससे ये इसकी वापस रिफ्लेक्शन में फोटो आ रही है, तो लग ऐसे रहा है जैसे सिया नीचे से पूरी गायब हो गई है ही नहीं यहाँ पर। गजब है। तो भाई दोस्तों ये जो जबरदस्त लगा यहाँ पर एकदम काफी फनी है, दोनों साइड से जो गायब होने के बाद में ये मन ही कौन दिखा है, तो गायब हो चुकी है। चला जाए और चंद्रमा, चंद्रमा को जिस तरह से खड्डे 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 पूरे चंद्रमा, ये चंद्रयान। चेन्नई से अब कभी भी जो तूफान टकरा सकता है, बारिश का मौसम हो गया एकदम ठंडा, और तेज हवाएं भी चलने लग गई है। अभी 2 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है तूफान की वजह से। ये गाड़ी नीचे चली गई, एक जगह पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर पार्किंग सिस्टम देखा है, थोड़ी जगह को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। इसके नाक और कान भी बिंदुवाने से डर कौन है बेटा,
टप दे यो जे यो टप दे छे एक्चुअली हम लोग जो शिवन्या के लिए पैरों में डालने के लिए कह रही थी चांदी के लेते हैं तो ये लेने के लिए आए हैं। जो गांव से डाल के लाई थी ये टाइट हो गया। अच्छा ये टाइट हो गया पहले जो था ना वो पापा कान में दम दम दर्द हो रहा है तो अन पूछ लेते कौन ही है डर लगे थे पूछो इंडिया में क्या हाँ इंडिया में कान में दम दम दर्द होता है क्या ये बजना इसमें नट लग जाएगा और ये पूरी तरह से पैक ऐसे वाले लिए ये तो लिए ये वाले लिए ये हम लोग सोच रहे हैं ये वाला ले लेते हैं 33 ग्राम सिया के जो आज कान का छेदन कराएंगे और ये सिया के लिए लिए दर्द करेगा ना बेटा बच्चों के 5 साल होने किससे पहले भी कर ले गए कुछ लोग तो अपने सिया तो 5.5 साल की हो गई आज इसके करवाएंगे कान का छेदन नाक को भी ना ना कान नाक कर नाक बाद अभी वो कह रही है दर्द करेगा मैं कान छुपू मैं बेटा आज तेरे कान बिंदु अच्छा है मशीन का ठेवा मशीन अभी दिखा दे हमने इनके यहाँ से 2500 रुपए की ज्यादा शॉपिंग किया था ये गिफ्ट दिया इन्होंने क्या चीजें दिखाई कुछ जेल सा दिए ये लगाना है सिया के कानों के जेल है जेल लगाना दोनों साइड कुछ बोनी है क्या हम जीव के मन लगे सुनना करे बच्चों को नहीं चले ही खतर कर रहा है हाँ पता नहीं चलेगा इसलिए जेल लगा दिया इसके ये इनके पास में एक गन है उसके अंदर जो हम लोग लेके हैं कान में डालने वाले वो उसके अंदर सेट कर रहे हैं पहले लक्ष्मण ये है इतनी सी गन ठुस 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 ऐसे गन चलाएंगे है अभी इसके अंदर चला गया वो इनसाइड पेन से थोड़ा सा इस तरह से बनाया है चिन्ह बनावा अभी इसके पहले पेन से थोड़े थोड़े निशान बनाए हैं अब फिर स्क्रीन में देख कोई बात नहीं लूं से ये अब ठीक है नहीं बेटा अभी ठीक है नहीं देख कितना सुनो लगे है सुंदर है बस थैंक यू ओके बस ठीक हो गया नहीं इतना सा इधर दो लेके आगे अजीब बात करनी है सिया पीछे पीछे एक एक और चीजें डालती जाती है आगे आगे इसकी मम्मी एक एक डालती है डबल डबल चीज लेके आ जाती है खूब सारे लोग जो गांव के अंदर हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि भी सर्दियों के अंदर अभी इसके कानों में क्यों डलवाए क्यों कान बिंदवाए तो मैं आपको बता दूं यहाँ सर्दियाँ नहीं है यहाँ एक जैसा ही मौसम रहता है साल भर और जो अभी है ऐसा ही एक शर्ट में काम चल जाता है नॉर्मल अपने यहाँ पर होता है ना अक्टूबर का महीना या मार्च का महीना फरवरी मार्च का तो कुछ उस तरह का मौसम साल भर समुद्र के जितने भी किनारे सब जगह पर भारत में ऐसा ही मौसम रहता है तो यहाँ पर सर्दी नहीं है एकदम सही है मौसम और अब हम लोग जो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर अगर आप नए हैं तो सुपजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक शेयर कमेंट शेयर थैंक यू मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।